इस वक्त हम लोग गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। गोरखपुर का माहौल गर्म है, जाहिर सी बात है, सीएम सिटी है, यहाँ पे हमेशा एक अलग ही माहौल रहता है और कड़ी टक्कर रहती है, एकदम हॉट सीट है। इस वक्त हम लोग किराना मंडी के उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल जी के साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि क्या आप माहौल को देख रहे हैं किस तरीके से, और व्यापार वर्ग के हिसाब से आप जिस तरीके इस नजरिए में देख रहे हो कि मार्केट में क्या क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इस चुनाव में क्या बदलाव आता है। ऐसा व्यापारियों में तो उत्साह है ही है चुनाव को लेकर के, काफी कुछ पहले से बेटर हुआ है, रोडें, लाइटें, सब कुछ पहले से बहुत बेहतर हुआ है, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत, आज लोग 12 बजे 1 बजे रात को आते हैं जाते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इस समय बहुत बेहतर चल रहा है, और वोट भी मतलब इस समय भाजपा को ही ज्यादा से ज्यादा जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा को ही ज्यादा ज्यादा समर्थन जाता हुआ नजर आ रहा है, आप लोग ये महसूस कर रहे हैं, तो जिस तरीके से जैसे आपने बोला कि सुरक्षा मिल रही है सरकार में थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है जिससे बिजनेस आसान हो गया, ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ये हुआ है कि लोग आसानी से आ जा रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है इस समय, तो हर बिजनेसमैन सुरक्षित महसूस करना चाहता है ताकि ताकि हम व्यापार अच्छे से कर सकें। तो कुछ जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कोई वोट अपील अगर आप करना चाहें कि देखिए एक लोकतंत्र है, वोट की शक्ति सबके पास होती है, वही बदलाव भी ला सकते हैं, वही सरकारों को मजबूत भी करते, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को ध्यान दिया जाए, इससे जीएसटी में इतने बदलाव हुआ है तो उससे कम से कम बदलाव किया जाए ताकि लोग मतलब वोट जनता को वोट के लिए वोट देने के लिए जो आपकी अपील होगी वो क्या होगी? हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान सरकार है और जो अच्छा करेगी उसी को लाना चाहिए। ठीक सर, धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। थे अनिल जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि जो सरकारें अच्छा करें उसको जरूर लाना चाहिए, और हालांकि इस सरकार से वो काफी खुश हैं, उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग भी काफी खुश है। गोरखपुर से कैमरान बॉन्सर साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।